So welcome to day 3, guys. I'm just packing my stuff. It's time to head back home. Not today. So I'll be taking 2 days to head back home. I'll be going via the longer route from Manali. I'll be going towards Kullu to the Ord Tunnel and taking a left from there rather than taking a right. On the left side, there's the Trithan Valley, the Sanj Valley, Jalori Pass, Jibhi, and Narkanda. So that's the route that I'll be trying to do today. That's the view outside my hotel. As you can see, the saddlebags are ready. Bike ki chain clean karni hai, lube karni hai, aur uske baad, let's get started. So start करें आज की राइड डे 3 एंड लेट स्टार्ट द राइड गाइज. एक पंगा हो गया है ड्रोन के अंदर, एक ऐसा एरर दिखा रहा है, IMU कैलिब्रेशन रॉन्ग इन द मेन कंट्रोलर. वो मुझे लग रहा है शायद कोई मेजर पंगा है, मैंने नेट पे चेक किया है. एक दो वीडियोस में ऐसा बताया गया है कि उसके अंदर कोई पार्ट रिप्लेस करना पड़ता है खुद, तो मुझे नहीं पता मैं आगे ड्रोन यूज़ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आगे त्रिथन वैली वगैरह आएगी, उसके व्यूज़ बहुत ही अमेजिंग होते हैं. क्योंकि कल बिल्कुल सही चल रहा था सिस्सू में ड्रोन, एज सच हमने बहुत ही बढ़िया शॉट्स लिए, और अचानक उसके बाद जब सेकेंड अटैम्प्ट करी तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम से एरर दिखाया भाई ने. मे बी सॉफ्टवेयर अपडेट का इशू है, क्या है मुझे नहीं पता. लेट्स सी. आगे तो शायद बर्फ़ दिखनी नहीं है, तो इन बर्फ़ वाले पहाड़ों का एक और आखिरी व्यू. यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट, चलो कुल्लू की ओर. क्या हाल है? तो अचानक सोलो राइड से ग्रुप राइड बन गई, 3 लोग हो गए अब हम. सो ये वाली रोड है ना, मनाली निकलते ही कुल्लू तक जाने वाला जो रास्ता है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही बढ़िया स्टार्ट देता है राइड को. ऐसे सेक्शंस जहाँ रोड एकदम परफेक्ट है, चलाओ बाइक, भगाओ, फ्रेश मॉर्निंग के मज़े लो, चिल वाइब्स एकदम. तो यहाँ पे किसी ने मिलना है यार, जो इंस्टा पे कनेक्टेड है मेरे से, लोकेश नाम का कोई बंदा है, देखे रोड पे मिलता है कि नहीं मिलता, कैसे आइडेंटिफाई करेगा वो, तो मुझे कर लेगा आइडेंटिफाई आई एम श्योर. टाइगर को एकदम से ऑफ रोड. लोकेश है ना आपका नाम? हाँ. तो आप, तुम कहाँ कुल्लू में ही रहते हो एग्जैक्टली? मैं वैसे कुल्लू में रहता, घर मेरा यहाँ से आगे है, जो जिब्बी साइड नहीं है. जिब्बी साइड? जिब्बी से मेरा पीछे, लेकिन रोड वही है. अच्छा. सो दिस वाज दिस गाय कॉल्ड लोकेश, ये कहीं कुल्लू उल्लू में ही रहता है भाई, और ये मिलने आया था. इसने देखा था कि मैं इधर हूँ, तो कैचअप थोड़ा बहुत, ब्रेकफास्ट तो हम लोगों ने किया नहीं था, तो इसलिए इस जगह पे आराम से आके फ्रूट ब्रेक लिया, 2 केले खा लिए, थोड़ा गन्ने का जूस पी लिया, ऑल सेट. बाय बाय. चल बाय. सही है यार, मिलने आ गया भाई इतनी दूर से, खुश हो जाते हैं लोग. टाइगर जैसी बाइक देख के तो अच्छा है यार, कोई खुश हो रहा है, उसे थोड़ी खुशी मिल रही है, तो ठीक है. हमारा ब्रेक भी हो गया, मिल भी लिया किसी से. चालू हो गया ये मामला सारा कटिंग वाला. ये देखो यार, ऐसा लग रहा है साला कभी भी गिर जाएगा ये सब कुछ नीचे. सीम्स दैट दैट माउंटेन साइड इज गोइंग टू फॉल ऑन मी एनी टाइम. दिस इज द लास्ट स्ट्रेच बिफोर द टनल. ओह मैन. ओ ये,
Oh yeah. But yes, we are at the tunnel. And oh no, 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 I need to remove my glasses. Look at the dust inside this tunnel. So much dust. It's becoming literally very difficult to breathe. As they say, I can definitely see light at the end of the tunnel, but this light is not just only light. I can see a dust cloud that is caused due to the construction on this highway till Mandi from the tunnel. So we need to take a left and hope that there will be much less construction. Or oof. What the fuck is this, man? So much dust. It seems as if I'm riding in a dust cloud. Fuck. This is crazy. हाँ बाहर वाली से जाऊं थैंक गॉड खत्म हुई वैसी वाली रोड एटलीस्ट. That was crap. So just taken a stop 6.2 kilometers away from Jippy. The sun is out and starting to feel a little warmer because I'm wearing those liners inside. The road from Oar Tunnel to Jippy I thought was going to be scenic and very easy to ride on, very pleasing to ride on. But the road is narrow and there is a lot of traffic and a lot of buses in front of the bikes, because of which they are spewing up a lot of dust on our faces. The riding gear has taken a lot of toll in terms of getting, you know, completely dumped in dust. So Jalori Pass should be like 1 hour away from here, about 20-25 kilometers, and Narkanda is about 100. So we'll target to reach Narkanda today. Should be there by about 6 or 6:30 p.m. max. Chalo, fir se chale, dheere dheere. साइड में ना हो जा रहा है तेरे से. एक्सपल्स तो बहुत ही बढ़िया जा रही है इस रूट पे यार, वेरी निम्बल. द 200 NS पल्सर 200 NS उसके रियर टायर में शायद पंचर हो गया, तो वील हैव टू गेट इट चेक्ड. वेलकम टू जीबी. यहीं पे ठीक करो आराम से, शहर के बीच में. जो भी पंचर वंचर का पंगा है आगे ना पड़े कुछ. तो आगे कितना आगे जलोरी के बाद कहाँ फिर? तो हवा भर लो ना, वो भी इलेक्ट्रॉनिक पंप है मेरे पास. इसको ये निकाल के, इसका ये नोजल निकालना पड़ेगा, ये साइकिल वाला है, अब लगेगा. 7 है इसमें, बहुत कम है हवा भाई. पिकनिक वाले चिप्स सुरा ने बेड़ा गर्क कर दिया. पच्चीस तक की हवा भर गई है, आगे बढ़े हैं अब. प्रीटी नाइस प्लेस टू कैंप आई थिंक एंड स्पेंड द नाइट. वेरी प्योर, फार अवे. अब भैया कैसे हैं आप ये बताओ, वाटरफॉल हम पीछे छोड़ा है क्या?
वो जो नीचे थी जहाँ पे ब्रिज बना हुआ था अंदर जाके। हाँ, तो नीचे तो होटल जैसा खोला है। अच्छा, अंदर खुद पैदल चल के जाना पड़ता है। अच्छा, मेरे को लगा कहीं ऐसे रोड पे दिख जाएगी। यहाँ ऊपर कहाँ जा रहा है रास्ता? ये जा रहा है गांव सेरी। सेरी वहाँ क्या है? कुछ नहीं आ रहा, गाँव ही है। अच्छा, यहाँ बर्फ पड़ती है? अच्छा, सो दिस इज वेयर द वाटरफॉल इज सपोजडली। पानी उछल उछल के आ रहे हैं। कहाँ से सीप हो रहा है? वाटरफॉल के नीचे जाके फोटो खिंचवाने के चक्कर में थोड़ा सा गीला हो गया हूँ और उसे ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो सर्दी लग रही है। ठीक है, मज़े चलते हैं थोड़े। और अभी जलोरी पास इज़ लाइक 10 किलोमीटर्स और उसके लिए भी आधा घंटा दिखा रहा है, तो स्पीड बहुत ही कम आनी है, रोड पतली होगी। तभी आधा घंटा दिखा रहा है 30 मिनट्स फॉर जस्ट 10 किलोमीटर्स। एंड दिस एरिया अराउंड जिब्बी इज़ वेयर यू गेट सम सॉर्ट ऑफ प्योरिटी। आई मीन फ्रॉम मॉट टनल रीचिंग जिब्बी द रोड वॉज नॉट गुड। दिस इज़ वॉट यू कॉल एज एन ऑसम रोड वेन यू आर राइडिंग इन द हिल्स हेयर इन इंडिया। I'm just using the second gear on the Blanca. Whoa, what a drop on the right, man. What a sharp hairpin bend looks like. See this? Wow. Get up and get going. Growl. Another one. This requires the first gear on the Tiger, man. अरे कहाँ गई? लो जी, बर्फ भी आ गई जलोरी पास चढ़ते चढ़ते। रोड पे ना हो बर्फ, नहीं तो पंगे होते हैं। वाह, क्या व्यू है यार। यहाँ तो अच्छी खासी बर्फ आती है रोड पे, लगता है जलोरी में जो अभी तक पड़ी हुई है। आ गए जलोरी पास। हाइट क्या है? ये देखिए 10,000। बस 10,000 नहीं है इसका? अभी इतना तो केलोंग जिसपा नॉर्मल है। 2,985 दिखा रहे हैं। 10,280 फीट हाइट। हाइट की स्पेलिंग HIGHT। बहुत बढ़िया। बट राइड अच्छी थी यहाँ की? यहाँ की राइड अच्छी थी, थोड़ा काफ़ी स्टीप यू टर्न्स थे, काफ़ी ज़्यादा स्टीप। मेरी बाइक तो मतलब पावर मिस कर देती है। चलो अंदर चाय वाय पीते हैं यार। चलो हाँ यार, बैठते हैं, टाइम नहीं अपन लोगों के पास। बट इनको कुछ अच्छा बोर्ड बनाना है। अच्छा, ये भी तो लिखा है ना भाई, ये ओ ये जो छोटा सा लिखा है यहाँ पे, ये हमारी चाय बन रही है। अच्छा, एक और मीठा पारा दे देना सर, एक और मीठा पारा। अच्छा है सर, प्रॉपर फील है इस जगह की, बढ़िया। और ये खिड़की भी, ये दरवाजा भी खुलता है भाई, बाहर जाके खड़े होने का दिल आता है। दरवाजा है, मैं खिड़की सोच रहा था। ज्यादा ही मजे लेने तो बाहर पहुंचो। Yeah.
सो हाई एल्टीट्यूड पे जैसे चिप्स के पैकेट फूले होते हैं, ये एल्पेनली पे जस्ट जली, ये ऐसे फूली हुई है जैसे यही पूरी फटने वाली है अभी इस समय। सो अब यहाँ से बस हमें उतरना ही है, 2 घंटे लगेंगे नारकंडा जाने में, टाइम हो गया 5:30 और 7:30-8 बजे तक पहुँचेंगे। वहाँ कहीं बैठे थे हम ऊपर जहाँ पे चाय पी रहे थे, टाइम टू गेट डाउन द स्लोप्स एज फास्ट एज पॉसिबल एंड रिड्यूस दैट ऑल्टीट्यूड फ्रॉम 10,000 ऑड फीट एंड ब्रिंग इट डाउन टू अबाउट 7,000-6,000 सो दैट द चिल इन द एयर वैनिशेस अ लिटिल। इट्स टू कोल्ड राइट नाउ एंड माई समर राइडिंग ग्लव्स विच आई थॉट वुड बी एडिक्वेट फॉर दिस ट्रिप आरंट प्रूविंग टू बी सो, बट समहाउ आई हैव मैनेज्ड टू काइंड ऑफ मेक अ डू विद द हीटेड ग्रिप्स ऑन द ब्लैंका दैट वर्क marvelously well and right now the heated grips and heated seats both are on. Road ke side mein bike lagayi hai, there's the tiger and the ride from Jalori to this place was pretty good. Thode se beech mein off road sections the but overall the ride was pretty smooth. Abhi yahan se Narkanda is still 2 hours aur piche valley ka view dekho, bahut hi badhiya view hai, bahut shanti hai is jagah pe, bas beech mein ek do gaadi nikalti hai to uski awaaz aati hai, otherwise class. ये यही करता रहता है, खेलता रहता है बैठ के। ओए तेरी तो, ओए हीरो। एक अलग सी शांति मिल रही है इस समय बाइक चलाने में, कोई ट्रैफिक नहीं है। ये होती है पहाड़ों की राइड, इसे कहते हैं राइड करना माउंटेन्स में। कोई ट्रैफिक ना मिले, कोई शोर ना मिले, कोई धूल ना पड़ रही हो मुंह पे, बस शांति में, शांति से वादियों के बीच में बाइक चला रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए यार। व्यू देखो सामने का, साथ में टाइगर की आवाज़ हल्की हल्की, ना ज़्यादा लाउड ना ज़्यादा रैश, जस्ट द परफेक्ट एग्जॉस्ट नोट। मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का इन सुंदर प्यारी सी वादियों में। सो रात के अंधेरे में हम फिर से बाइक चला रहे हैं आज, और अभी नारकंडा इज अबाउट 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। मैंने अभी एक गलत टर्न ले लिया था जो पू की तरफ जा रहा था, अच्छा हुआ ये फाहिम ने मुझे फ़ोन कर लिया और वापस आ गया, नहीं तो पता नहीं कहाँ निकल जाता मैं आगे। 36 किलोमीटर्स, अगर ऐसी रोड है तो पहुँच जाना चाहिए आधे घंटे में, मैक्सिमम 40 मिनट में। सो दिस वॉज रामपुर एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स नारकंडा नाउ, एंड फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर इट्स गोना बी अ सीरीज ऑफ लूप्स दैट टेक अस अप दिस माउंटेन। सो ये हमने एक शॉर्टकट लिया है जो 7-8 किलोमीटर हमें बचाएगा नारकंडा पहुंचने में। ये ऑल्टो वाले भाई साहब ने बताया है शॉर्टकट ले रहे हैं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ तो आपको कुछ 6-7 किलोमीटर्स छोटा पड़ेगा रास्ता। लेट्स सी, बढ़िया एल्टीट्यूड, बढ़िया एलिवेशन है इस रास्ते पे। फर्स्ट गियर में ही चलाने लायक है मामला। सो 10:30 AM स्टार्ट एंड 9:15 PM वी आर इन नारकंडा, 11 आवर्स फॉर ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स इन द हिल्स। कैसी रही? 200 किलोमीटर सिर्फ हमने 11 घंटे में किए हैं। 11 घंटे ही तो हो गए भाई, सुबह 10:30 चले थे ना, 9:15 हुए हैं, ऑलमोस्ट 11 घंटे हो गए। बट भाई रुके भी तो बहुत हैं ऐसे, मतलब तुम बुरा मत मानो भाई। चलेंगे स्पीति,